ठंड में गरीब परिवार की भूख। देखो सीबू भैया, लगता है हमारी तरह मुनिया को भी ठंड लग रही है। उसने भी छतर नहीं पहना है ना। तभी 7 साल का शिबू अपनी दूध मुही बहन को रोता देखकर उसे बाहर आंगन में ले आता है, जहां गरीब सुधा कपकपाते हुए गोबर से उपले पात रही होती है। आज तो बड़ी ठंड है, ऊपर से ये बर्फीली हवा में तो आड़ भी नहीं लिया जा रहा। जल्दी जल्दी उपले पात कर अंदर चली जाती हूँ। सीबू, इतनी ठंड में तुम मुनिया को बाहर क्यों लेकर आया है? माँ, मुनिया को बहुत भूख लगी है, इसे दूध पिला दो। हमने तो 2 दिन से खाना नहीं खाया, पर इसे तो खिला दो। दरअसल पिछले 2 दिनों से सुधा के गरीब परिवार में चूल्हा नहीं जला था, जिसकी जड़ थी बढ़ती ठंड। ये कहानी है गोपी की, जो मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपना परिवार पाल रहा था। परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, एक दादी, 3 बच्चे और पत्नी सुधा थी। इतने बड़े परिवार को कमाकर खिलाने वाला जब घर में एक अकेला हो तो कठिनाइयां बहुत बढ़ जाती हैं। गोपी का भी यही हाल था। इन दिनों उसके पास कोई भी काम नहीं, इसलिए पिछले 2 दिन से उसका परिवार भूखा है। सुबह से शाम ढल गई, तभी पिंकी भूख भरी नजरों से देखती है और पूछती है, माँ बहुत जोल थे, भूत लगी है, बाबूजी खाना लेके कब आएंगे? बाबूजी खाना लेकर आते ही होंगे पिंकी, बस थोड़ी देर और। हे ईश्वर, दया करना, आज इन्हें काम मिल गया। पिछले 2 दिनों से माँ जी, बाबूजी, दादी जी और बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया, आज ये राशन लेकर ही लौटे। तभी ठंड से कपकपाते लड़खड़ाए कदमों से गोपी अंदर आता है। अरे गोपी, आ गया तू? बेटा, मेरी दवाई लाया है क्या? नहीं दादी माँ, आज भी कोई काम नहीं मिला। पूरी सड़क पर ठंड से धुंध छाई हुई है, काम के लिए तो मारा मारी है। कहाँ तो बाकी के दिनों में सड़क पर खड़े 100 मजदूरों को भी काम मिल जाता है, पर आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ी वाले बाबूजी आते हैं और बस 1 से 2 मजदूरों को ही बिठा कर ले जाते हैं। तुम सबका भूखा चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता, क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतना लाचार हो गया हूं मैं कि अपने परिवार को कमा कर भी नहीं खिला पा रहा। गोपी को इस तरह से रोता देखकर उसके भूखे परिवार की भी आंखें भर आती हैं। तभी गोदावरी उस कपता धामू कहते हैं, अरे गोपी रो मत, और ये ठंड का कहर तो हम जैसे गरीबों के परिवार पर हर साल गिरता है। ईश्वर की दया से हम अभी सांस ले रहे हैं। हाँ गोपी बेटा, वैसे भी इंसान होने के नाते सुख और दुख भोगना तो हमारे भाग्य में लिखा है। दुख में भी पूरा परिवार एक दूसरे को हिम्मत देता है, पर गरीबी के चलते उस रात उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। उस कड़कड़ाती ठंड में ले देकर उनके पास एक फूस की झोपड़ी ही थी, और न ओढ़ने को कंबल, न बिछाने को बिछोना, जिससे पूरा परिवार पुले के बने एक चटाई पर ही कांपते ठिठोड़ते बड़ी कठिनाई से रात काटते। वहीं अमीर लोग अपने बड़े घरों में महंगे हीटर लगे क्वार्टर्स में नरम रजाई ओढ़कर सोते हैं। भूख से बेहाल पूरा परिवार रात भर सो नहीं पाता। तभी भूख से 75 साल की बूढ़ी दुलारी की हालत एकदम बिगड़ जाती है। हे ईश्वर! अरे अम्मा, तुम ठीक हो? तभी दुलारी एकदम से आंखें मूंद लेती है। धामू की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। अम्मा, अम्मा आंखें खोलो, हे भगवान, अरे और कितने जुल्म ढाएगा तू हम पर। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी तुम घबराओ मत, दादी माँ को कुछ नहीं होगा, इन्हें अस्पताल लेके चलते हैं। दोनों दुलारी को बोरा ओढ़ा देते हैं, जिसके बाद गोपी उसे पीठ पर लाद कर चल पड़ता है। ठंड इतनी थी कि पूरी सड़क धुंध से घिरी हुई थी। बहती ठंडी बर्फीली हवा रूह को कपा रही थी। ठंड ने इंसान तो इंसान, जानवरों का भी बुरा हाल कर दिया था। थोड़ी देर में अस्पताल आ जाता है। जैसे वो अस्पताल में पहुंचते हैं, हर इंसान महंगे स्वेटर जैकेट पहने होते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी दादी को क्या हो गया है। अरे रे रे, ऐसे कहां घुसे चले आ रहे हो? देखो अभी पहले ही पूरा अस्पताल बतेरे मरीजों से भरा हुआ है, जाओ कल सुबह आना। अरे डॉक्टर साहब, बाबू यहाँ मेरी माँ की जान जा रही है और तुम कहते हो कल सुबह आना। अरे क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं बोलो? कभी वो निर्दयी भगवान रुलाता है तो कभी भूख रुलाती है, और कभी तुम जैसे बड़े बड़े लोग।
धामू के मन का दुख दर्द आंसू बनकर बहते ही जा रहे थे और डॉक्टर को उस पर दया आ जाती है, जिसके बाद वो दुलारी का इलाज करता है। देखो, लगता है माता जी ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। बुढ़ापे का शरीर है, इन्हें अच्छे से खिलाओ पिलाओ, फल फ्रूट ज्यादा से ज्यादा दो। यहाँ हम गरीबों के पेट में दो दिन से रात से एक दाना भी नहीं पड़ा है। जिसके पास खाने को दो वक्त की रोटी भी नहीं, वो फल फ्रूट कहाँ से लाएगा? खैर, अभी ग्लूकोज चढ़ा है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इन्हें अस्पताल से ही कुछ खिलाकर घर ले जाना, सुबह 7 बजे खाना आ जाएगा। रात भर घर न लौटने की वजह से सुबह सुबह गोदावरी, सुधा और तीनों बच्चे भी अस्पताल आ जाते हैं। तभी थोड़ी देर में अस्पताल के खाने वाले और दुलारी को खाना देते हैं। शिब्बू और पिंकी भी देखने लगते हैं। माँ, इस अस्पताल में तो खाना मिलता है, जब तक ये ठंड नहीं बीतती क्यों ना हम अस्पताल में रह जाए। कम से कम हमें यहाँ खाने को तो मिलेगा, हमें भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। शिब्बू की ये बात सुनकर पूरे गरीब परिवार का दिल निकल आता है। तभी थोड़ी देर में उन्हें डिस्चार्ज मिल जाता है और वो भूख से झुलसते घर आते हैं, जहाँ अपने दोनों बच्चों को भूख से तड़पता देखकर सुधा राशन के डिब्बे देखती है। एक अन्न का दाना भी नहीं है घर में, क्या बनाकर खिलाऊं बच्चों को? तभी सुधा चूल्हे के पास एक थैली में चोकर रखा देखती है। एक काम करती हूँ, अभी के लिए इस चोकर से ही रोटी बना करके खिला देती हूँ। वो बोलकर गरीब बहू उस दुख में भी हिम्मत करके अपने आंसू पोंछती है और चोकर की रोटी बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है, जिससे सभी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। आज कितने दिनों बाद हम गरीबों के घर का चूल्हा जला है। माँ, आधी लोटी और दे दो, मेरा पेट नहीं भरा। हाँ, ये ले पिंकी। माँ जी, बाबू जी, एक एक रोटी आप दोनों भी ले लीजिए। जानती हूँ ये चोकर की रोटियाँ आटे की रोटी जैसे मिठास से नहीं भरी होंगी। अरे बहू, भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत होता है। ईश्वर ने आज हमें रोटी दी, वही बड़ी बात है। आज का दिन तो जैसे तैसे कट गया, मगर मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अपने परिवार का लगातार भूखे रहने के कारण कमजोर होता शरीर देखकर गोपी को बड़ी चिंता होने लगती है और वो अगले दिन एक नई आस के साथ काम ढूंढने जाता है। उस दिन रोज के मुताबिक ज्यादा ठंड थी। गोपी के शरीर पर एक फटे जामे के सिवा कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं था, जिसमें उसे बड़ी ठंड लगती है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आफत बरस रही है। बस कर ईश्वर, अब ये दुख और सहा नहीं जाता। तभी सड़क पर चल रहे सभी लोग, अमीर लोग जैकेट और महंगे स्वेटर में खा पी रहे होते हैं। ये ठंड का मौसम तो बस इन्हीं अमीरजादों के लिए सुहाना है जिनकी जेब भरी है। हम जैसे गरीब की खातिर तो इस ठंड में दो वक्त की रोटी कमाना भी दूभर हो जाता है। तभी कुछ दूर आगे जाने पर वो देखता है कि सड़क पर सीवर का काम चल रहा था। सूट बूट पहना मफलर लपेटे एक आदमी बड़ी ही खिसियाहट के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। क्या, प्रमोद ने कहीं और काम पकड़ लिया? तो अब ये सीवर का काम कौन करेगा? तभी गोपी आगे आकर कहता है, मैं करूंगा साहब। क्या, तुम ये कर सकते हो? एक बार फिर सोच लो, इस सीवर के अंदर उतरना पड़ेगा। एक बार फिर सोच लो, इतनी कड़ाके की ठंड में तुम कर पाओगे, वो भी इस गंदगी में? तभी डब डबाई आंखों के साथ गोपी रूहा से शब्द से कहता है, ये पापी पेट सब कुछ कर देता है साहब। अपने गरीब परिवार और बच्चों का मुंह देखकर गोपी उस सीवर की सफाई का काम करता है, जिसके बदले उसे 1000 रुपए मिलते हैं, जिसे हाथ में लेकर वो खुश हो जाता है और राशन पानी लेकर घर आता है। ये लो सुधा, मैं राशन पानी ले आया हूँ, जल्दी से सभी के लिए खाना बना दो। जी, अभी बनाती हूँ। सुधा जल्दी से राशन पानी ले जाकर खाना बनाकर सभी को परोसती है। माँ जी, बाऊजी, खाना बन गया है। माँ, जल्दी से मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। आज तो मैं पूरी 2 प्लेट दाल भात खाऊंगी और मैं अभी पेट भर कर खाऊंगा। हाँ मेरे बच्चों, आज तुम दोनों पेट भर कर खाना। बहू, हमारे साथ तू भी खाना आकर खा लेना, ताकि तुझे भी दूध उतर सके और उस मासूम बच्ची को भी उसका आहार मिल सके। इस प्रकार कई दिनों तक भूखा रहने के बाद उस दिन उस गरीब का परिवार भर पेट खाना खाता है, जिसके बाद गोपी सर्दी भर सीवर की सफाई का काम करता है, जिसके बदले में उसे अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपने परिवार का पेट भी भर पाता है और धीरे धीरे उन सब के लिए स्वेटर और कंबल बिस्तर भी खरीद ले आता है, जिससे उन सबको ठंड का कहर भरा दिन और नहीं झेलना पड़ता।